वेलकम अगेन टू माता सावित्री किचन। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बनाया है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, कितना कलरफुल लग रहा है ये देखिए। तो चलते हैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम स्ट्रॉबेरी क्रस्ट बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने पैन पहले से ही रख दिया गर्म होने को। अब ये देखिए बारीक कटा हुआ स्ट्रॉबेरी है, इसे मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ और इसी में मैं ऐड करूँगी शुगर पाउडर। आप चाहे तो शुगर भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। बहुत जल्दी रेसिपी तैयार होती है। आप इसे बना के अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर लिख के बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। स्ट्रॉबेरीज मार्केट में इजीली मिल जाती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और चलते हैं मिल्क शेक बना लेते हैं। स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बनाने के लिए देखिए मैंने स्ट्रॉबेरीज ले लिए हैं 5-6। अब इसके पत्ते निकाल देते हैं हम, अच्छे से इसे वॉश कर लीजिएगा। अब इसे ब्लेंडर जार में ऐड कर देते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध, मैंने फुल फैट मिल्क लिया है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शुगर पाउडर, ये थोड़े से आइस क्यूब्स, 2-3 स्कूप आइसक्रीम के, मैंने वेनिला आइसक्रीम लिया है। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी ले सकते हैं। इसके बाद इन सबको हम ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए इसे मैंने पीस लिया है, अब इसे सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए मैंने ये सर्विंग ग्लास लिया है, इसमें इसमें ऐड करूंगी जो स्ट्रॉबेरी क्रस मैंने बनाया था उसे ऐड कर रही हूँ मैं। ये देखिए, और इसे ऐसे साइडों से भी लगा देंगे ग्लास में। ये देखिए, अब देखिए इसमें मैंने जो स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था उसे मैं ऐड कर रही हूँ। ऊपर मैं कुछ आइसक्रीम ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं, चाहे जो भी फ्लेवर यूज़ करें। ये मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है, थोड़ा कलरफुल। उसके ऊपर से फिर से ये जो मैंने क्रश बनाया था उसे ऐड कर दूंगी। ये देखिए, उसके ऊपर ये देखिए मैं ऐसे सर्व कर रही हूँ इसको। और ये देखिए मेरा स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बन के तैयार है, बिल्कुल कलरफुल, बहुत ही टेस्टी। आप इसे बना के अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।